शहर में आए दिन चोरी एवं छिनतई की घटना बढ़ती जा रही है। अपराधी बेलगाम होकर हथियार के दम पर लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। बीती रात भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सुमार उर्सलाइन कॉन्वेंट रोड के निकट कुछ अज्ञात अपराधियों के द्वारा कोचिंग संचालक को हथियार दिखाकर मोबाइल, पर्स एवं अन्य कीमती सामान छीन लिया गया। यह इस इलाके की एकमात्र घटना नहीं है, इस तरह की घटनाएं प्राय इस क्षेत्र में घटित होती रहती है। इस क्षेत्र में छात्रों की आवाजाही काफी ज्यादा होती है। इस घटना पर पूर्णिया प्राइवेट शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रसन्न सिंह ने एवं अन्य शिक्षकों ने रोष व्यक्त किया है एवं मीडिया के माध्यम से प्रशासन से आह्वान किया है कि जल्द से जल्द इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाई जाए। उन लोगों ने कहा कि अगर इस पर लगाम नहीं लगाया जाता है तो वे लोग आंदोलन का रास्ता इख्तियार करेंगे। सौरभ सर दफजिक क्लासरूम, जिनका क्लास आपका रनवी मैदान के पास है, वो शाम में 7:30 बजे के करीब वो अपने क्लास से निकल के कॉलेज चौक तरफ जा रहे थे। रास्ते में 3 बाइक से 6 लोग आए, उनको रोक के उनके मोबाइल, 3 सोने का अंगूठी थी, कुछ पर्स में कैश थे, छीन करके वो चले गए, निकल गए। उनके शायद गनून भी दिखाया गया है जिनसे वो भयभीत हैं। प्रशासन को इससे पहले भी हम लोग ने इस बारे में जानकारी दी थी कि रणभूमि एरिया थाना चौक से लेकर के जनता चौक तरफ 6 बजे के बाद बच्चों को कोचिंग जाना दुश्वार हो जाता है। और हम सभी लोग जानते हैं कि थाना चौक से लेकर जनता चौक कोचिंग का हब है। अगर जब शिक्षक सुरक्षित नहीं है तो बच्चे कहाँ से सुरक्षित रहेंगे? 6 बजे के बाद गर्ल्स क्लास आना नहीं चाहती रणभूमि एरिया में। हम लोग क्या कर सकते हैं? बच्चे को पढ़ा सकते हैं, सुरक्षा देने का काम प्रशासन कर। इसके लिए DSP साहब को हमने लोगों ने आवेदन भी दिया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शनिवार को हम लोग शिक्षक संघ में एक मीटिंग रखा गया जिसमें आगे के ऊपर कार्रवाई क्या की जाएगी, हम लोग हड़ताल पे जाए या क्या किया जाए, वो शनिवार को निर्णय लिया जाएगा।